घर जुलम हो गया, वापस में जाने का? नहीं नहीं नहीं, आपको मेहमान हो गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं। थैंक यू वेरी मच मैडम, देने उसको। And finally, the worst thing that happened to me that pushed me to make this video was the Sonmarg taxi ka fiasco jo hua ho. Hey guys, welcome back to the channel. Bahut time ke baad main ek aisa face to face video bana raha hu. And normally main aisa koi video kabhi nahi banata hu, you know, where I'm upset with something or I don't like something about a travel experience. That way I'm a very tolerant person when it comes to travel. Main kafi sare places ko, kafi sare logo ko, at least while traveling, I try to give them benefit of the doubt. बिकॉज मैं वहाँ का नहीं हूँ, वहाँ का मुझे लोकल कल्चर नहीं पता है, सो आई ट्राई टू बी वेरी टॉलरेंट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। बट रिसेंटली व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू कश्मीर काफ़ी सारे इंसिडेंसेस ऐसे हुए दैट रियली मेड मी एंग्री एंड आई जस्ट हैड टू मेक दिस वीडियो। इफ़ यू गाइस डोंट नो, वी रोड ट्रिप अक्रॉस ऑल द मेजर प्लेसेस इन कश्मीर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड श्रीनगर। ये सब जगह के इंडिविजुअल वीडियोज़ तो बने ही हैं, तो यू कैन चेक इट आउट, यहाँ पे लिंक रहेंगे। वो सब इंडिविजुअल वीडियोस में भी मैंने एंड में बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा बताया था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एज अ ट्रैवल कम्युनिटी। जो आप लोग हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरत है, बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग ग्राउंड रियलिटी कश्मीर में इज़ वेरी डिफरेंट एज टू व्हाट इज बीइंग पोर्ट्रेड। द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज नॉट टू टारगेट एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, आई जस्ट वॉन्ट कि कश्मीर एक अच्छा बेटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। एंड ये जो मैसेज जो है वीडियो में वो राइट अथॉरिटीज़ तक पहुँचे, द टूरिज्म डिपार्टमेंट, जे एंड के गवर्नमेंट एंड all those people who are watching this video, unko bhi pata chale ki what's really happening. I just want Kashmir to be a better place. Honestly, that's my main agenda. Because even today, currently, I believe after traveling to Switzerland, Italian Alps or any mountain region in the world, I still believe Kashmir is by far the most beautiful place on this planet. But a handful of things are just really ruining the entire experience of Kashmir. And I'm a big supporter of the tourism economy, a sustainable tourism economy. And also by pointing out these issues in Kashmir, I think eventually make it a better place so that more people go there. And of course, wahan ki local tourism economy bhi badhe, right? Anyways, let me tell you what all happened and what were the issues that I faced while traveling to Kashmir. So first of all, while researching for a Kashmir trip, I booked the flights and of course hotels and then local transport between the cities, right? So when I was looking for taxi people and everything, I found a few good people. जिससे मेरे बात हुआ, I got the best rate. I was given the quotation of 19,500 rupees for Srinagar to Pehlgam, Pehlgam to Gulmarg, Gulmarg to Sonmarg and Sonmarg to Srinagar and back to the airport. ये मेरा 7-8 days का itinerary था. Now while researching for the trip, I came across this point that ये जो आपका budget है, it is basically only for intercity travel. मतलब जो आपका श्रीनगर से आप जो टैक्सी पिकअप करोगे, दे विल ओनली बी एबल टू टेक यू टू पहलगाम, टू गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड बैक टू श्रीनगर। अगर आपको वही टैक्सी लेके गुलमर्ग में ही घूमना है, सोनमर्ग में ही घूमना है या पहलगाम के इन अराउंड घूमना है, सो दैट टैक्सी पर्सन विल नॉट बी एबल टू टेक यू अराउंड। दिस इज़ द टैक्सी यूनियन का वहाँ पर लॉ है, वहाँ पर रूल है, विच आई एम ऑल अप फॉर इट। जो है जो रूल है वहाँ का, आई ऑलवेज सपोर्ट दैट। बट ये फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ वेरी न्यू थिंग दैट आई फाउंड आउट, आई हैड नेवर सीन दिस एनीवेयर इन द एंटायर वर्ल्ड एंड आई कैन प्रॉमिस यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट एंड ऐसा मैंने कहीं पे नहीं देखा है, ओके। एंड सोनमर्ग में तो अलग ही सीन चालू है, विच विल गेट टू वेरी सून। सो या दैट आफ्टर रिसर्चिंग वॉज वन थिंग लाइक ओह दैट्स न्यू, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग। तो एनीवेज वी बुक्ड इट एंड आगे का प्लानिंग चालू किया। वंस हम लोग पहुंचे, वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग पहलगाम, वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग गुलमर्ग, सोनमर्ग। The one thing that I noticed was this excessive tipping culture that has been developed in Kashmir, this entire region. Okay, the expectation of tipping is by far the most I've seen in any place, in India, abroad. And you know, tipping, of course, you go, aapko kisi ki service achhi lagti hai, to base fare se aap of course tip karte ho. When you like their service, aapko pasand aaya, usne jo mehnat kiya, base fare se zyada, of course you tip, and that is what I do as well. कि जब भी मुझे कोई एक्टिविटी अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आया, तो एक्स्ट्रा टिप ऊपर से मैं देता ही हूँ पहले से। कश्मीर में व्हाट आई सॉ वाज दैट देयर वाज दिस एक्सेसिव नीड टू बी टिप्ड एंड बीइंग यू नो फोर्स टू टिप दोज पीपल, एंड ये एवरी प्लेस में था, ओके। लाइक एवरी स्मॉल थिंग, एवरी सेकेंड पर्सन वॉन्ट्स टू बी टिप्ड फॉर नो रीज़न, ओके। ऑलमोस्ट दिस इज आई ऑलमोस्ट फेल्ट एज इफ ये कोई काइंड ऑफ टैक्स है दैट मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ पर लोग हैं, then I just need to pay that a tip because I don't want to get into trouble. So as a tourist, for no reason tipping, mujhe I'm not in support for that. When I like the service that you provided, you gone beyond the call of duty, I will tip you, right? But ye excessive tipping culture mujhe theek nahi laga.
And they were never happy with your first initial tip, right? There was a guilt trip involved. Something like, you know, they'll say, itne dur se aate ho, aap itna mazaa karte ho, toh humko bhi khush karke jao. So there was this kind of a guilt tripping you into giving them more tips, right? Jo mujhe theek nahi lagta hai ki, yeah, we will give you happily, but no, don't guilt trip us into tipping you, right? That's not right. Certain incidences, if I tell you kya kya hue. So, shikara ride kar rahe the hum log Srinagar Dal Lake mein. And the shikara ride was a kind of a complimentary thing from our houseboat, right? And he was dropping us to the mainland. Jo banda jo tha, he was dropping us off to the mainland. जैसे ही बोट राइड खत्म हो रहा था, ही इज़ लाइक, ऑफ कोर्स आई वाज नॉट सरप्राइज्ड के अभी ट्रिप खत्म हो रहा है, अभी आपका टिप का टाइम आ गया है. आई वाज लाइक ओके ठीक है. सो आई गेव हिम लाइक 100 रुपीज़, जो द एंटायर शिकारा राइड कॉस्ट 400 रुपीज़, उसका मैंने उसको 100 रुपीज़ दिया. एंड ही इज़ लाइक के सर जी इसमें क्या होएगा, इसमें तो हमारा सिगरेट का भी खर्चा नहीं निकलता. एंड एज अ डॉक्टर मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या आया, इनफैक्ट आई जस्ट हैव अ वीडियो व्हाइल आई वाज शूटिंग दाल लेक. ये कॉन्वर्सेशन पीछे वीडियो में रिकॉर्ड हो गए, आई जस्ट प्ले दैट फॉर यू, हियर इट. मजा आएगा सर जी, खुश हो गया एकदम एकदम. आपको खुशी से टिप देना, अगर वो स्टेट पर देना ना, यहाँ पर उसको मजे से तनख्वाह से काट लेना, बराबर देना उसको, शिकारा मिलेगा 50 रुपया उसको एक दिन की सिगरेट खर्च हो गया. मत पिया करो सिगरेट सर जी, आदत है बचपन में, क्या करेंगे. डॉक्टर इसलिए बोल रहे हैं आपको, ये बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो आ जाते हैं चाय में सिगरेट में. कम क्या करो, लोग देखते हैं ना रोज कैंसर के पेशेंट, इसलिए कम. आपका खर्चा भी कम होएगा और आपका सेहत भी अच्छा रहेगा, लंबा भी जियोगे, जीवन भी लंबा चलेगा बच्चों के साथ. अगर जुल्म हो गया वापस मिल जाएगा. नहीं नहीं नहीं, आपको मेहमान हो गया. नहीं नहीं ऐसा नहीं. थैंक यू वेरी मच मैडम, देने उसको. So as you heard it, I was honestly just giving him advice ke you know, like agar aap smoking band karte ho, aapka kharcha bhi kam hota hai, aapka health bhi acha rehta hai, and you get to stay longer with your loved ones. Bacche hain, biwi hai, unke sath lamba raho, lamba jiyo. And that is what I do to all my patients as well, and I was giving him free advice. Theek hai, and ye free advice ka he took it to heart. I mean, itna ego kahan se aata hai ke aap mujhe advice mat do, mujhe zyada tip kar do. So I get the financial situation, वो सब भी है, but don't you see by just quitting smoking you can save so much money. So this was one incident. Then we were walking around this small town called as Kullan before Sonmark, and we were just walking, and a couple of teenage kids like 14, 16 year old, because मेरे पास मेरा gimbal था, camera था, and we were walking, Priya and I enjoying the evening. If you guys saw the Sonmark vlog, we had gone for a stroll. And we were walking, and this group of boys, they come up to us and they're like, sir ji tip de do. And I was like, what for, like what's going on, what's happening, like sir ji tip de do. And we just finally like, thank you, and we just started walking back to our hotel. And thoda situation thoda sketchy ho gaya ke, you know, two people were coming from this side, two people coming from that side. I had my camera, my drone, my entire you know, gimbal and everything, and they were making ishaare ek dusre ko kar rahe the. I don't know what they were thinking, but we were not comfortable, right? That is what happened, and we came back to our this thing. But this kind of a tipping scenario bahut har jagah pe dekha hai maine, and just be careful, okay? Tip karo, that's how much you want to do it, but this is not welcome by all tourists, okay? And I am a very generous tipper that way, but if I'm asked for it, I won't do it, okay? Let me do it on my own, right? I don't know how many of you agree with this, but that is what I believe in. Another thing what I noticed was that wherever you go, there is someone or the other always there to scare you before you go ahead. In Pahalgam, we went to basically jo Betab Valley hai, usse aage Chandanwadi jane wale the, and we reached the place where we had to walk thoda and aage jane wale the. Kuch 2 minute ka walk tha, and mujhe wahan pe peak dikh rahi thi, you know, I can easily reach that place. So why are you forcing all these services on me? And you know, scaring me sort of into going with this. And that was not welcomed, right? Ke hum log chal rahe hain, I have my shoes, and we just want to be, you know, we just want to walk to that place, because hamare liye ye walk karna itself is fun. I don't want to be sitting and somebody's pushing me, and I don't know, I'm not a big fan of that. So this point of, you know, then again scaring you into the services, that is not right. If I want it, I will ask for it. And there were times when I went and I asked for the services, and happily I'll take those services. But don't push it down my throat. Okay, you have to buy it, you have to do this, and this is kind of a culture that I was not really liking. So that is something to be wary of, and you should know as well. All these things are happening. Do your own research. Just don't fall for this kind of a scam, right?
third thing was that I was never left alone. If I'm walking in Gulmarg, Sonmarg or anywhere else, okay, there is someone or the other constantly in my face to just sell me something that I don't want or need. I can see there are people who might need your services, so just go and, you know, give the services to them rather than coming behind me where I'm politely, I've been told, okay, I've been very polite with everyone. Jahan bhi main jata hun, I try to be as polite as possible. I like, thank you bhaiya, nahi chahiye. Thank you Sarji, thank you. I'm always very polite with everyone, all the vendors there. But still they will follow you till the end. I remember this point in Sonmarg, hum log niche se Sonmarg ke main road se, you try and go up the hill. And wo log, of course, they are trying to force a sledge ride for me and Priya. But I told him, Sarji, we want to walk and I want to go up there myself. I like this experience. Please, you can just, you know, focus your energy to some other tourists. They might need it. They did not. For hour and a half, hum log jahan tak upar tak pahunche, videos liye. You guys know, Sonmarg ke videos mein mere paas zyada zoom lenses ke shots nahi hain. थोड़े डी एस एल आर के शॉर्ट्स थे. दैट इज़ बिकॉज कॉन्स्टेंटली दिस पर्सन वॉज बिहाइंड माई लाइफ के यू नो जस्ट यू नीड टू बाई दिस, यू नीड टू डू दिस. आई गेट इट दैट टूरिज्म हैज़ बीन डाउन इन ऑल दीज ईयर्स. आई गेट इट, ओके, आई गेट एवरी थिंग. इन फैक्ट आई एम द फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट टूरिज्म, बट डोंट जस्ट फोर्स मी इन टू इट, राइट? एंड दैट गेट्स इरिटेटिंग वेरी क्विकली. एंड नॉट ओनली मी, आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल इन आर होटल इन आर लॉबी कंप्लेनिंग अबाउट द सेम थिंग. अगर ये चीज़ फिर यू नो दिस कीप्स इंक्रीजिंग, नॉट मेनी पीपल आर गोना गो देर, राइट? एंड इनडायरेक्टली इज गोना अफेक्ट योर ओन टूरिज्म इकोनॉमी, राइट? आई एम ट्राइंग टू बी सपोर्टिव ऑफ दैट. सो जस्ट ट्राई टू बी पोलाइट, ट्राई टू बी नाइस, एंड एनीवन हु वांट्स योर सर्विसेज विल अप्रोच यू, राइट? एंड फाइनली द वर्स्ट थिंग दैट हैपन टू मी दैट पुश्ड मी टू मेक दिस वीडियो वॉज द सोनमर्ग टैक्सी का फियास्को जो हुआ. वी वर स्टेइंग इन दिस प्लेस कॉल्ड एज कुल्लन, दैट इज लाइक 20 मिनट्स फ्रॉम सोनमर्ग, राइट? And there comes a point where you need to get down from your tourist taxi and go to the local taxi. Now, वहाँ पे apparently what happens is कि every taxi driver has its number. Number मतलब अभी he has taken one tourist, so he goes back in line. Everyone gets the chance to take tourist from the entry point to main Sonmarg, right? So we get dropped off by our intercity taxi person to the start of the local taxi place. एंड वहाँ पे हमारा निगोशिएशन स्टार्ट होता है कि हाउ मच शुड वी पे यू. सो इनिशियली ही कोटेड मी 6,500 रुपीज़ फॉर टू पीपल टू गो लाइक 5 kilometers इन टू द वैली, स्टे देयर फॉर हाफ एन आवर 45 minutes एंड कम बैक. 6,500 रुपीज़, राइट? एंड अपेरेंटली दिस वॉज द ऑफिशियल कॉस्ट डिसाइड बाय द टूरिज्म मिनिस्ट्री, जब वहाँ पर लिखा नहीं था. एवरीवेयर एल्स पहलगाम गुलमर्ग में ऑफिशियली द रेट्स आर डिसाइडेड, विच इज़ नाइस, ओके, आई लाइक इट. वेर ये जो आपने रेट डिसाइड किया है, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल पहलगाम में दोनों घोड़े का हमारा खर्चा हुआ 6,000 रुपीज़, ओके, डिसाइडेड है, ये फेयर है, वहाँ पे बोर्ड पे टूरिज्म मिनिस्टर लिखा हुआ है. एंड दैट गाइड डिड सो मच मेहनत, कोई टिप नहीं मांगा, आई टिप्ड हिम सामने से 500 रुपीज़, आई टिप्ड हिम सामने से. बट यहाँ पे देर इज़ नो बोर्ड, 6,500 रुपीज़, ही स्टार्टेड ऑफ वेरी एरोगेंटली, वेरी रूडली, इतना तो पे करना ही पड़ेगा, आप यहाँ पे आए हो आगे जाने के लिए, ये तो देना ही पड़ेगा. आई ऑलमोस्ट फेल्ट एज इफ कि यू नो आप कहीं पे जाते हो ना, लोकल माफिया इज देयर, सो दैट यू ही इज डिमांडिंग सम सॉर्ट ऑफ टैक्स बिफोर यू गो. दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट इवन इन नेपाल, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी बेस कैंप के टाइम पे. बट या सो साइड ऑफ 6,500 रुपीज़. सो दूसरा बंदा था वहाँ पे, ही सेड के देयर आर ऑल्सो टू पीपल एंड दे वर टेकिंग टाटा सुमोज, राइट? वो टाटा सुमो जो रहती है उस पर चार जन आराम से आ जाते हैं. सो दूसरा बंदा था दिल्ली से था, एंड आई आस्क्ड हिम, यू वांट टू शेयर, वी विल गो यू नो टैक्सी में शेयर करेंगे. एंड 6,500, चल इफ इज कोटिंग तो हमारा 3,000 में डिवाइड हो जाएगा, 3,250 में. देन द टैक्सी पर्सन गोज के नहीं नहीं नहीं, ये हम लोग एक ही जन को लेके जा सकते, एक ही कपल को लेके जा सकते, दो जन आप टैक्सी शेयर नहीं कर सकते. इवेंचुअली वी वर निगोशिएटेड डाउन टू 4,000 रुपीज़, ओके, बहुत लाइक टू हाफ एन आवर. थैंकफुली हमारा जो ड्राइवर था, आई हैड बिल्ड अप अ गुड रैपो विद हिम, आई वाज काउंसलिंग हिम अबाउट हिज वाइफ एंड उसका जो इलनेस था एंड एवरीथिंग. सो ही वॉज निगोशिएटेड, दैट इज मी, बिकॉज आई एबल टू गिव एडवाइस. सो ही निगोशिएटेड डाउन टू 4,000 रुपीज़, ओके, विच आई स्टिल थिंक इज एक्सेसिव फॉर दैट टू आवर्स, राइट? एंड वी वर टोल्ड दैट ही इज गोना बी विथ अस थ्रू आउट द टोस्ट टू आवर्स एंड ही हेल्प अस विद ड्रोन्स एंड एवरीथिंग एंड या. सो दैट इज थिंग. सो वी वेंट वहाँ पे, सोनमर्ग लेके गया हमको, हार्डली कुछ 20 minutes का ड्राइव था. एंड वी एन्जॉयड द एंटायर प्लेस, टुक सम शॉट्स, केम बैक टू सी के वो भाई साहब तो है ही नहीं वहाँ पे, ही हैड गॉन बैक
टू पिक अप अनदर टूरिस्ट, राइट? बिकॉज अपेरेंटली जो हमको बोला गया था कि ये नंबर हमारा दिन में एक ही बार आता है, भाई साहब का तो आधे पौने घंटे में ही वापस नंबर आ गया था. सो ही वेंट बैक एंड वी वर वेटिंग लाइक 45 मिनट्स इन द कोल्ड सोनबर्ग नीचे सो दैट ही कम्स बैक विथ अनदर टूरिस्ट एंड ही टेक अस बैक राइट टू द मेन टैक्सी स्टैंड. एंड सेम थिंग विल हैपन टू दैट टूरिस्ट, राइट? बिकॉज वो हम लोग को लेके गया पीछे. सो वाइल कमिंग बैक ही एक्सप्लेन्ड अ फ्यू थिंग्स टू मी. ही सेड ये जो आपको जो कोट कर रहे हैं ना उसमें सर्टन अमाउंट 1000 rupees जाता है टैक्सी यूनियन को. लाइक ओके, ठीक है, 1000 rupees जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को. लाइक ओके, एंड बाकी का कहाँ जाता है? तो लाइक बाकी का जाता है इंडियन आर्मी को. आई वॉज लाइक वाई विल इंडियन आर्मी बी टैक्सिंग द टूरिस्ट? वो मुझे समझ नहीं रहा है. वाई विल बी चार्जिंग द टूरिस्ट? अभी आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज. दिस इज जस्ट वॉट वन पर्सन टोल्ड मी टैक्सी ड्राइव पे एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग. एंड फिर उसके बाद जो रहता है वो हमारे पास आता है. दैट इज़ वाई दिस मैड कोट ऑफ 4,500-6,000 rupees जो मैंने कहीं पर नहीं देखा, पहलगाम में देखा, गुलमर्ग सोनमर्ग में ही देखा है. When we came, I gave him a tip of 500 rupees and 4,000 rupees उसको देने थे जो टैक्सी वाला था, बिकॉज negotiate हो गया था. जैसे हम लोग उतरे ही वापस उसका माइंड चेंज हो गया एंड यू हैव टू पे 6,000 rupees, आपको ये करना ही है, यू नो, स्टार्ट क्रिएटिंग अ सीन. दैट इज़ वेर वी लॉस्ट इट बिकॉज दैट वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड आई रियली लॉस्ट माई शिट. प्रिया ऑल्सो लॉस्ट इट एंड यू नो इस काइंड ऑफ वहाँ पे लाउड आर्ग्यूमेंट हो गया विथ एवरी वन. हमारा ड्राइवर आया, ही हेल्प्ड अस विथ एवरीथिंग. वहाँ पे लोकल जो रेस्टोरेंट वाले थे वो हम लोग को शांत कर रहे थे कि यू नो सर जी, दिस पर्सन इज थोड़ा यू नो आउट ऑफ कंट्रोल एंड वी हैव हैड कंप्लेन्स विथ हिम. दैट जस्ट वन पर्सन, ओके? ऑल दिस एक्सपीरियंसिस आर जस्ट वन पर्सन. आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनी थिंग. ऑल द अदर पीपल आई मेट वर जेन्युइनली वेरी नाइस. मेरा गुलमर्ग का गाइड वॉज वेरी नाइस. मेरा पहलगाम का घोड़े वाला सच अ नाइस पर्सन. Everyone else was very nice, but this is one incident to bitter taste reh gaya hamara last din pe. So that was kind of irritating. And then we came back to Srinagar. Srinagar mera dost rehta hai. He was with us during our studies. And maine pucha ki boss kya chalu hai ye, what's happening? Like, you know, I was really surprised with the state of Kashmir and all these things. And I don't want to get too political about anything, okay? I'm just trying to make Kashmir a better tourist place. That's my agenda for this video. I don't want any politics, वो चालू है. सो उसने मुझे बोला कि क्या है ना कि the people of Kashmir are treated as vote banks or just labor force, right? From so many people, Indian government, may it be militants, may it be extremist group, or just local politicians, okay? They are just treated in a way कि you throw money at them and whatever work is needed will be done, right? So this kind of mentality percolates to the people, percolates to the children and everyone in the valley. He also works there, so he understands the geopolitics of the region. He's like, the people of Kashmir not to be blamed. This is all an accumulation of years of political conflict. Whatever has been happening for the past 50 years in Kashmir, this has all come down to this now. You know, jo bhi mile le lo, right? It's free for all kind of a thing. That really pains me because it has potential to be such a beautiful tourist destination. It already is in India. But if this continues, I don't see many people going again and, you know, enjoying it again, because I see a lot of people still going to Manali, Uttarakhand. Those are becoming more viable options than Kashmir because of all these reasons, right? I just had to tell this to you because I hope it reaches the right people and iska kuch, you know, kuch kar sake iske bare mein. And I feel it's my duty ke, you know, now that I travel so much and there are so many of you watch the videos, I hope kahin pe ye message pahunche and something gets done about this. Sorry to bum you out like this. Normally ऐसे videos बनाता नहीं हूँ मैं, but something had to be said about what's happening. In fact, next video is going to be about how to travel Kashmir, all the details like flights, accommodation, खर्चा and everything. Like I make a detailed video of how to travel any place. So that is in the pipeline, okay? So I really believe in the Kashmir project and I just hope that one day it becomes the destination it can be. Anyways, tell me what you think about all this in the comment section below. I'd love to read your thoughts as well. Until the next time, stay safe, keep on traveling. I'll see you guys soon.